हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीतू केमिस्ट्री। और आज हमारे सामने कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं जो कि चैप्टर नंबर सेकंड से लिए गए हैं। तो चैप्टर नंबर सेकंड के कुछ स्पेशल क्वेश्चन ये रहे आपके सामने, चैप्टर नंबर सेकंड, और इसके सॉल्यूशन के कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं इस तरह से। स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैलिटी एज द यूनिट कंसंट्रेशन। तो मोलैलिटी सभी को पता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और वो क्यों है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो ध्यान से देखिए। जो मोलैलिटी है वो उसका जो फॉर्मूला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू, दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन क्या होना चाहिए, kg। तो मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो मोलैलिटी रिमेन सेम, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर का मोलैलिटी पे। अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी चेंज मोलैलिटी वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू मोलैलिटी। तो जो चेंज करने का जो तरीका है वो ये है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो स्मॉल एम जो कि मोलैलिटी है इज इक्वल टू कैपिटल एम मोलैरिटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू में डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इनटू में मोलर मास, जो भी सॉल्यूट का मोलर मास है। तो इस फॉर्मूले से हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें मोलैलिटी दे रखी हो, तो हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी, मोलैरिटी दिस इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन, और मोलैलिटी जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व पर kg ऑफ सॉल्वेंट। तो हाउ डज ए चेंज इन टेम्परेचर इन्फ्लुएंस देयर वैल्यू, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि पहले डिस्कस हुआ है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है लेकिन मोलैलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा कि मोलैरिटी डिक्रीज होगी, लेकिन जैसे कि पहले डिस्कस किया था मोलैलिटी विल रिमेन सेम। तो जो मोलैरिटी है वो रिमेन सेम। अगला जो फोर्थ पार्ट है वो है, एक्सप्लेन व्हाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। क्योंकि एक्वेटिक स्पीसीज, सभी को पता होना चाहिए कि जो कोल्ड वाटर में डिजोल्ड ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और वार्म वाटर में डिजोल्ड ऑक्सीजन कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कम हो जाती है। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसी यही इसका जो रीज़न है कि टेम्परेचर कम करने से सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, जो कि एक्वेटिक स्पीसीज के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके, अंडर व्हाट कंडीशंस आर द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन नियरली सेम। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिससे दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो सकती है। तो वेरी सिंपल, मोलैरिटी सभी को पता होना चाहिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी, और जो मोलैलिटी इज इक्वल टू एन अपॉन में एम, दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अगर एन और एम तो वैसे ही सेम है, अगर वी और एम सेम हो जाए यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हो जाए वॉल्यूम के, तो इस कंडीशन पर मोलैरिटी और मोलैलिटी नियरली सेम हो जाएगी। तो ये था इसका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफाइन एन आइडियल सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन जो रोल को फॉलो करता है आइडियल सॉल्यूशन, राइट वन ऑफ द इट्स कैरेक्टरिस्टिक। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी आइडियल सॉल्यूशन की, देखो आइडियल सॉल्यूशन में ए और बी का इंटरेक्शन बिल्कुल सेम होता है, ए और बी के इंटरेक्शन में। तो ये ए कैरेक्टरिस्टिक्स आप वहाँ लिख सकते हो आइडियल सॉल्यूशन का। डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग, सभी को पता है कि डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग 0 होगा यहाँ पर, डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग भी 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एजोट्रॉप। एजोट्रॉप दिस इज द बाइनरी मिक्सर, ये बाइनरी मिक्सर होता है जिसकी जो सेम कंपोजिशन होती है इन लिक्विड स्टेट और इन वेपर स्टेट, ठीक है, एंड बॉयल एट द सेम टेम्परेचर, तो इसे कहते हैं एजोट्रॉप मिक्सर।
सेवंथ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जरूर करना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज रॉल्ट लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और किस तरीके से ये स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। तो देखो क्वेश्चन नंबर एट में पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी हेनरी लॉ ने, और जहाँ पर पी पार्शियल प्रेशर, एक्स मोल फ्रैक्शन है, और यही सेम बात जो है वो कही थी रॉल्ट लॉ ने। तो रॉल्ट लॉ की भी बिल्कुल सेम बात, तो इन दोनों में यही सिमिलैरिटी है। और जो डिसिमिलैरिटी है वो के एच दिस इज द हेनरी लॉ कॉन्स्टेंट एंड पी वन नॉट दिस इज द रॉल्ट लॉ, यानी वेपर प्रेशर, दिस इज द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। और 9, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन रॉल्ट लॉ एंड हेनरी लॉ। तो दोनों में सिमिलैरिटी की अगर बात की जाए तो सिमिलैरिटी जो है वो यही है कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, और यहाँ भी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ये सिमिलैरिटी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखें तो व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहता है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो इसे कहेंगे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नंबर 11 है डिफाइन वेंट ऑफ फैक्टर होता है आई, अगर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल है, सॉरी डिवाइडेड बाई कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ये हो जाएगा आपका वेंट ऑफ फैक्टर। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, दिस इज द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट को हम जनरली के बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में मोलैलिटी की फॉर्मेट में आता है इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। और अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो के बी इज इक्वल टू किसके हो सकता है, डेल्टा टी बी के, अगर यहाँ पर एन और एम वन मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन वन के जी ऑफ सॉल्वेंट। तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इफ वन मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन वन के जी ऑफ द सॉल्वेंट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन बाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड हो उसे कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड नॉट डिपेंड ऑन द नेचर, नेचर पर डिपेंड नहीं हो, दिस इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास इज एग्जैक्टली, अगर हम देखें तो ये एबनॉर्मल मोलर मास ये लोअर, ना तो लोअर होना चाहिए ना हायर होना चाहिए विद द वैल्यू ऑफ आई, तो इसे कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। हाउ इज द ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सोल्यूशन, हाउ इज ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 15, अगर हम देखें तो 15 में पाई इज इक्वल टू सी आर टी, तो पाई और सी जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो 16 की तरफ अगर हम देखें, इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आंसर है येस, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो n पर डिपेंड है, p ये हो गया n2 अपॉन में VRT, तो ये n पे डिपेंड है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे, तो ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर एज कम्पेयर टू अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो एडवांटेज, दो एडवांटेज आपको लिख के आनी है इसकी। नंबर वन एडवांटेज है 17 की अगर देखें तो, नंबर वन एडवांटेज है कि इसमें प्रेशर इज यूज्ड एट द रूम टेम्परेचर, और इसमें मोलैरिटी इस्तेमाल होती है, और बाकी जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं उनमें मोलैरिटी इस्तेमाल होती है, इसमें अकेले में मोलैरिटी इस्तेमाल होती है। दूसरा रीज़न आप दे सकते हो, मैग्नीट्यूड इसका लार्ज होता है, मैग्नीट्यूड जो है वो लार्ज है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म मोल फ्रैक्शन। तो जो मोल फ्रैक्शन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट
डिवाइडेड बाई, या फिर कह सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। सो गाइज ये थे वो कुछ स्पेशल क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेकंड से जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।